आवाज आ रहा है? ठीक यस है। गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून सर। सर, गुड आफ्टरनून चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक सर, यस है, नया सर, टॉपिक डायमेंशनिंग टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पर बग्या कर रहा चलता। माइक ऑफ कर लो। हाँ ठीक है, अगर कुछ पूछना होने से तब ऑन कर लो। ठीक है, माइक को। हाँ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया, लाइंस एंड देयर एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये सिर्फ आरएससी एंड मैकेनिक डीजल के लिए है। ठीक है, प्लम्बर एंड मेसन आप लोग को ये चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो बचा हुआ है डायमेंशनिंग चैप्टर। प्लेन फिगर्स भी हाफ आधा करा दिया था, इसको हम दोबारा से कराएगा, प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स को। सो बचा हुआ है डायमेंशनिंग एंड दिस वन, प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स। ठीक है, ये लेटरिंग तो बहुत ही छोटा है, ये तो बढ़ाने से भी आप लोग को सिर्फ नोट्स देने से काफी है। ठीक है, ये लेटरिंग। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। डायमेंशनिंग भी आप लोग का क्लास में किसी का क्लास में करा दिया था, किसी का क्लास में करा था। कौन सा क्लास में, कौन सा टेट के लिए किया था वो याद नहीं है, लेकिन करा देता है, फिर से दोबारा करा देगा। मेरे एयरफोन तुम लिया था ना पहले यार। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा रुको। हाँ हेलो, ओ आवाज आ रहा ना अभी? दर्शन यार, मैं हेलो, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। ठीक है ठीक। आ रहा है सर, आ रहा है आवाज। ठीक है, थोड़ा रुको। सो डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग को डिफाइन करते हैं। डायमेंशनिंग क्या है? डायमेंशनिंग को जानने से पहले आपको डायमेंशन जानना जरूरी है। ठीक है, डायमेंशनिंग को डिफाइन करने से पहले आपको डायमेंशन जानना जरूरी है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या है हम लोग बहुत बार कर चुका है। डायमेंशनिंग, डायमेंशन मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी का किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, कुछ डायग्राम बनाने का बाद आपने इसका हाइट दे दिया 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, इस तरह का जितना भी नंबर्स है ना उन सबको बोलता है डायमेंशंस। ठीक है, सो हियर यहाँ पे डायमेंशनिंग का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन लाइक शेप, इसका शेप कैसा है, मतलब इसका शेप लेंथ कैसा है, इसका हाइट कैसा है वो प्रोवाइड करना, और इसका साइज देना एंड देन टॉलरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, ये प्रोसेस को ही बोलते हैं। अभी यहाँ पे ये डायग्राम बनाकर हमने इसका हाइट कितना है वो प्रोवाइड किया और लेंथ कितना है हमने प्रोवाइड किया, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायमेंशनिंग। ठीक है, सो डायमेंशनिंग का क्लासिफिकेशंस नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से। फर्स्ट फंक्शनल डायमेंशन, फंक्शनल डायमेंशन, नॉन फंक्शनल
ऑक्सिलरी साइज एंड लोकेशन डायमेंशन. फंक्शनल डायमेंशन का मतलब ऐसा डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन पे असर करता हो. समझ में आ रहा है? ऐसा डायमेंशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका फंक्शन में काम आता हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बना हुआ है बोल्ट, ठीक है ना. यहाँ पे एक बना हुआ है बोल्ट. आप लोग का ये माइक को अगर बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नहीं उनसे ऑन करके रखो, ठीक है, डिस्कस करने के लिए. आप लोग सुने नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा पता नहीं चल रहा, इसलिए अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस का प्रॉब्लम नहीं उनसे आप लोग माइक को ऑन अनम्यूट करके रखो. उसके बाद ये कुछ पूछना होने से, कुछ बोलना होने से बोलना. यहाँ पे फंक्शनल डायमेंशन, फंक्शनल डायमेंशन मतलब ऐसा डायमेंशन जो किसी ऑब्जेक्ट का फंक्शंस पे, फंक्शंस के लिए एसेंशियल हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का फंक्शंस के लिए जरूरी हो, ऐसा डायमेंशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये बोल्ट है ना, बोल्ट में बताओ कौन सा डायमेंशन जो है इसका फंक्शनिंग के लिए जरूरी होगा. बोल्ट में बोल्ट एंड ये इसको मान लो नट है ना, नट एंड बोल्ट में कौन सा डायमेंशन जो ऐसा है कि इसका फंक्शन के लिए जरूरी है. इसका फंक्शन क्या है, नट एंड बोल्ट का फंक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, हम क्या करता है ऐसा करके नट लगा के बोल्ट लगा के और बोल्ट के नीचे में ऐसा कुछ करके नट लगा देता है ना. नट एंड ये हो गया नट और ये हो गया, सॉरी ये हो गया बोल्ट, गलत कर उल्टा कर दिया. ये हो गया बोल्ट एंड ये वाला हो गया नट, ठीक है ना. इसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शंस क्या है? इसका फंक्शंस है ये दोनों प्लेट को होल्ड करके रखना, मतलब ये टाइट करना, ठीक है ना. ये दोनों को होल्ड करके रखना और ये दोनों को होल्ड करके रखने के लिए, ये दोनों प्लेट को होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे इसका मेन काम क्या चीज कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है. इसका फंक्शन हो रहा है ये थ्रेडिंग है ना, इसका थ्रेडिंग, इसका थ्रेडिंग, इसका थ्रेड का डायमेंशन कितना है, इसका डायमीटर कितना है, वो क्या है डिपेंड करता है ये डायमीटर है ना. ये बोल्ट का डायमीटर कितना है और यहाँ पे ये नट का अंदर का डायमीटर, ठीक है ना, इनर डायमीटर, ठीक है, और ये बोल्ट का क्या है आउटर डायमीटर. तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ये इनर डायमीटर को छोड़ के, अगर हम लोग ये अंदर का डायमीटर को छोड़ के बाहर वाला को डायमीटर आप जितना बड़ा कर दो ये इसका फंक्शंस पे असर नहीं पड़ेगा. समझ में आ रहा है? इसका बाहर का डायमीटर को, बाहर का डायमीटर को आप जितना भी बड़ा कर दो ये इसका फंक्शंस पे असर नहीं करेगा, क्योंकि मेन काम तो ये अंदर वाला थ्रेडिंग कर रहा है ना इसको टाइट करने के लिए, है ना. और दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये वाला डायमेंशन, इसका थिकनेस, इसका थिकनेस छोटा हो या बड़ा हो इसका फंक्शंस पे काम नहीं आएगा, ठीक है ना. आप इसको बड़ा के इसको और थोड़ा सा थिकनेस कर दो, इसका मोटा ऐसा कर दो, इसका थिकनेस को आप इतना मोटा कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो फंक्शनल डायमेंशन यहाँ पे ये वाला हो गया ये डायमीटर, और नॉन फंक्शनल यहाँ पे नंबर टू में जो बताया है नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल वाला इसका डायमेंशन, जैसे कि ये बोल्ट का ये हेड का इसका थिकनेस को आप जितना बड़ा कर दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका फंक्शन, ठीक है ना. ये हो गया दोनों का डिफरेंस, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल डायमेंशन, दोनों का डिफरेंस समझ में आया, दोनों का डिफरेंस समझ में आया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट डायमेंशन ऐसा है ऑक्सिलरी डायमेंशन. Auxiliary dimensions means as a dimensions which is provided only for the informations. The dimensions which are provided only for the informations, which is actually not required. ठीक है ना? Auxiliary dimensions मतलब ऐसा dimension जो जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ information के लिए दिया जाता है. For example, यहाँ पे हमने ऐसा कुछ dimensions बना दिया. ये छोटा सा line दिखा दे रहा है. लाइन ज्यादा छोटा हो गया, विजिबल है? यस सर, ठीक है. यहाँ पे इसको मान लेते हैं 20 और इसको मान लेते हैं 30, है ना.
30 और 50. अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो नीचे का जो डायमेंशन है ना 50, ये एक्चुअल में जरूरत नहीं है ना, ये एक्चुअल में 50 जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टोटल लेंथ यहाँ से पता लगा सकते हैं, यहाँ से देख रहा ना ये 20 है और ये 30 है, तो ऑफकोर्स ये टोटल लेंथ 50 हो जाएगा, मतलब ये 50 जो है ऐसा डायमेंशन जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है. So such information, such dimension are called auxiliary dimension. ऐसा dimension को क्या बोलता है? Auxiliary dimension. और size dimension and location dimension. Size dimension and location dimension दोनों का difference ये है. Size dimension मतलब किसी भी object का size के बारे में बताता हूँ. Size क्या होगा? Example, किसी भी चीज का length, वो length कितना है? किसी object का उसका height कितना है? उसका thickness कितना है? So such dimensions are called, such dimensions are called size dimension. ठीक है? For example, length हो गया, height हो गया, thickness हो गया. ठीक है? This is size dimension. Whereas location dimension indicates only the location. Location dimension क्या है? It indicates only the location. ठीक है ना? ऐसा dimensions जो सिर्फ किसी object का location को बताता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने एक होल बना देते हैं. ठीक है ना? होल है और यहाँ से एक सेंटर लाइन बना देते हैं. ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये होल का सेंटर. ठीक है ना? ये लाइन इंडिकेट कर रहा है, ये वाला लाइन, ये टोटल लाइन इंडिकेट कर रहा है कि ये होल का सेंटर कहाँ पे है. और ये नीचे का सरफेस, नीचे का एज से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, बड़ा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 25. ठीक है ना? सो यहाँ पे ये 25, ये 25 mm, ये 25 mm नहीं, जो भी यूनिट हो, ये 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ये 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 25 क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये होल का डिस्टेंस, यहाँ से ये नीचे का सरफेस है ना, नीचे का सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है, वो दिखा रहा है ये डायमेंशन. सो सच डायमेंशन इज कॉल्ड लोकेशन डायमेंशन. ठीक है ना? सच डायमेंशन इज कॉल्ड लोकेशन डायमेंशन. सो यहाँ पे हमने सिर्फ होल्स का दिखा दिया, लेकिन होल्स को छोड़ के और भी हो सकता है, कट आउट हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है. ठीक है ना? या फिर कुछ एक्सटेंशन भी हो सकता है. ठीक है? सो सच डायमेंशन आर कॉल्ड लोकेशन डायमेंशन. आई होप यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. किसी को कुछ प्रॉब्लम होने से पूछ लेना. आगे मूव करें. Yes. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन. ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ क्या है? डायमेंशन. इसको बहुत बार डिस्कस हुआ है क्लास में. आई रिमेम्बर 3-4 बार तो हमने क्लास में डिस्कस किया था यही सेम चीज को. एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन मतलब एक्सटेंशन लाइन क्या है, डायमेंशन लाइन क्या है, लीडर लाइन क्या है, एरो हेड्स क्या है, डिस्कस किया था. अभी हम लोग ने जो डायग्राम बनाया है आपको, ये डायग्राम ऐसा नहीं होगा, ये आउटलाइन है ना, ये आउटलाइन का इमेज क्या होता है, लाइन का क्लासिफिकेशन में एप्लीकेशन हम लोग ने देखा था. किसी का वहां से आवाज आ रहा है, गेम खेल रहा है क्या, जिसका डिस्टर्बेंस हो रहा है ऑफ कर लो. कितना हो गया आवाज आ रहा है? धोनी मचिया. हाँ, क्या बता रहा था? ओके, एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग. ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग में एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन एंड एरोहेड. Extension line, dimension line, leader line and arrowhead. ये तो आप लोग को पता है, बहुत बार बता चुका है, फिर भी देख लो और एक बार. ये line जो जा रहा है ना, ये वाला line, ये vertical line, surface से जो extend किया गया है ना, ये outlines हमने जो diagram बनाया है, वो outlines से extend करके, जो extend करके ले गया हो ऐसा,
लाइन उसको क्या बोलता है, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन कौन सा है, ये हो गया एक्सटेंशन लाइन और ये भी है एक्सटेंशन लाइन है ना, ये भी है एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन मतलब डायमेंशन दिखाने के लिए जो लाइंस ड्रॉ किया गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 25 mm को बनाने के लिए हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे ये 20 mm को दिखाने के लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस लाइन आर कॉल्ड डायमेंशन लाइन, ये क्या है डायमेंशन लाइन, ये सब क्या है डायमेंशन लाइन। एंड देन लीडर लाइन, अभी हमने जो ये लाइन दिखाया ये लाइन गलत है, ठीक है, इस तरह से दिखा नहीं दिखाया जाता है, अभी हमने जो दिखाया ये लाइन, ये तरीका गलत है, ठीक है, इस तरह से नहीं किया जाता, ये हमने सिंपली कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में दिखाया जाता है इस तरह से प्रॉपरली, इस तरह से एक लाइन एंड देन इस तरह से है ना। सो ये अभी हमने जो बनाया ये लाइन जो बना, ये लाइन दिस इज कॉल्ड लीडर लाइन, क्या है ये लीडर लाइन, इसी को बोलता है लीडर लाइन, ठीक है। उसके बाद एरोहेड, एरोहेड, एरोहेड क्या होगा, ये जो लीडर लाइन का एंड में जो बना वो, और ये जो डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन का एंड में टर्मिनेशन में जो ये एरो हमने लगाया, और ये डायमेंशन लाइन का शुरुआत में हमने जो एरो लगाया, दैट इज कॉल्ड एरोहेड्स, ठीक है ना, एरोहेड्स, एरोहेड्स से क्वेश्चंस हमेशा आता है, एरोहेड से हमेशा क्वेश्चन बनता है, उसको देख लो एक बार। एरोहेड अलग अलग तरह का होता है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद हमने दिखा दिया एक, हमको डायमेंशन दिखाना है, इस तरह से ना हो, यहाँ पे एरोहेड का एंडिंग तरह तरह से होता है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट में दिख रहा होगा, ये वाला फर्स्ट वाला ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, ये खुला है, उसके बाद नेक्स्ट में ऐसा होता है, इस तरह से इसका एंडिंग जो है क्लोज होगा, इसका एंडिंग क्या होगा, इस तरह से क्लोज होगा, और कोई ऐसा क्लोज भी होगा, लेकिन क्या होगा, इसका अंदर में कुछ फिल्ड होगा, इसका अंदर में क्या होगा, ये शायद कुछ फील्ड किया होगा, और कोई और कहीं कहीं में ये एरोहेड का एंडिंग इस तरह से होता है, ठीक है, ये टोटल चार तरह का होता है। इसका नाम क्या है, ओपन, और इसका नाम क्लोज्ड। आवाज ठीक से आ रहा है मेरा, आवाज का प्रॉब्लम होने से बताना, आवाज आ रहा है, और इसका नाम है क्लोज्ड है और फिल्ड, क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड एंड फिल्ड, इसका नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं क्या था, एक बार देखता हूँ नेट में, एक मिनट, हाँ
इसका नाम नहीं मिल रहा है, इसको ऐसा याद रख लो, इसका यूज जो है ये वाला डायमेंशनिंग, ये वाला एरोहेड का यूज जो है जब स्पेस बहुत ही छोटा हो जाएगा, जब स्पेस बहुत ही छोटा हो जाएगा तब जाके यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है इस तरह से, ये बहुत छोटा छोटा, यहाँ पे आप एरोहेड नहीं बना पाएगा। ऐसा समय में क्या करता है, सिर्फ यहाँ पे एक इस तरह से लाइन बना दिया जाता है एरोहेड की जगह पे, ठीक है। सो ये है एरोहेड, और एरोहेड का यहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा बनता है, इसका रेशियो कौन सा रेशियो, एरोहेड का इसका लेंथ और इसका हाइट का रेशियो। इस तरह से ये है एरोहेड, ठीक है ना, इसका लेंथ क्या है L और इसका हाइट, लेंथ एंड हाइट, इसका रेशियो हमेशा पूछता है, लेंथ एंड हाइट का रेशियो हमेशा 3:1 है, ठीक है, इसको याद रख लो। एरोहेड का लेंथ एंड हाइट का रेशियो क्या है, 3:1, लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, इसका लेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइट, 3 times ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलमोस्ट बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हाइट जितना है उसका 3 times बड़ा होगा, ठीक है। कहाँ तक पहुंचा, एरोहेड हो गया, और मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग डायमेंशंस और स्पेसिंग डायमेंशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा, इसको देखना, अलाइंड एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, यहाँ से ये दोनों से पूछता है हमेशा क्वेश्चन, सिंपली इस तरह से बनेगा कि मेथड्स ऑफ प्लेसिंग डायमेंशंस जो है कौन सा सही है, नाम दे देगा ये 1 अलाइंड एंड अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग एंड यूनिलैटरल दे देगा, उसके बाद नंबर 2 में ये लोग को दे देगा चेन डायमेंशनिंग पैरेलल डायमेंशनिंग, इस तरह से टोटल 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सही चूज करना होगा कौन सा सही है। सो यहाँ पे 2 है, 2 सिस्टम है, इसका नाम क्या है, अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, क्या नाम है, अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, अलाइंड एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, यहाँ पे डायग्राम कहीं है, कहीं नहीं है। सो लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, And unidirectional. Aligned and unidirectional. दोनों का डिफरेंस देखो। एक ब्रो, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? कौन सा डेट में करा था ये सब्जेक्ट को, कौन सा डेट में कराया था इसको, क्लास में एक बार कराया था।
देखो यहाँ पे इन अलाइन सिस्टम, अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नाम से पता चल रहा होगा, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन, यूनि मतलब वन और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, मतलब यूनिडायरेक्शन में क्या होगा, नंबर हमेशा एक ही डायरेक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर लिखना होने से हमेशा अगर 50 है तो 50 इस डायरेक्शन से लिखेगा, कहीं भी लिखना होगा 50 हमेशा हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा। इस तरह से इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ठीक है, ऐसा करके नहीं लिख सकता। सो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में लिखने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, यहाँ पे ये जो बीच का लाइन को, ये वाला बीच का लाइन को थोड़ा सा रिमूव कर देना है, इस तरह से रिमूव कर देना है, और यहाँ पे नंबर्स को वहां पे प्लेस कर देना है, ये जो डायमेंशन अभी जो बनाया इसको यहाँ पे बीच में मिडिल में रख देना है, और यहाँ पे भी इस तरह में भी ये बीच का जो डायमेंशन लाइन है उसको रिमूव कर देना है, और जो डायमेंशन है, डायमेंशन मान लो ये 50 है तो इसको यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से रख देना। बट इन अलाइन सिस्टम क्या होगा, नंबर्स को, नंबर्स जो ये डायमेंशन जो बनाया है वो डायमेंशन को कैसे रखना है, यहाँ पे जो डायमेंशन लाइन है ये डायमेंशन लाइन का ऊपर में होगा, डायमेंशन लाइन का कहाँ पे होगा, इसका ऊपर में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका 50 है तो यहाँ पे 50 इस तरह से, और ये जो राइट साइड में जो है, राइट या फिर लेफ्ट में, राइट या फिर लेफ्ट में जो भी लाइन है उसको आप राइट साइड से देखो, राइट साइड से इस तरफ से देखो, इस तरफ से देखो, और ये लाइन का, ये लाइन का जस्ट ऊपर में 50, अगर 50 है तो इस तरह से, ठीक है। अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल दोनों का डिफरेंस समझ में आया, अलाइंड एंड यूनिडायरेक्शनल दोनों का डिफरेंस समझ में आया? हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस, ठीक है। आपको डायग्राम भी बना देगा, बना के मतलब एग्जाम में डायग्राम बना के पूछ देगा कौन सा डायमेंशनिंग है, है ना, कौन सा डायमेंशनिंग है आपको पूछ देगा। तो आपको मैं पूछता हूँ अभी, एक डायग्राम बना के आपको पूछता हूँ कि कौन सा डायमेंशनिंग है। नंबर वन, ये नंबर वन वाला कौन सा डायमेंशनिंग है, नंबर वन वाला कौन सा डायमेंशनिंग होगा, अलाइन डायमेंशन, नंबर वन वाला, हाँ, अलाइन डायमेंशन, अलाइन डायमेंशनिंग, और नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू कौन सा डायमेंशनिंग होगा, डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से देगा, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे देगा, आपको पूछेगा ये जो डायग्राम जो बनाया है यहाँ पे डायमेंशन जो किया है वो कौन सा है, यूनिडायरेक्शनल है या फिर अलाइंड है, चेन डायमेंशनिंग है या फिर पैरेलल डायमेंशनिंग, आपको पूछ देगा। सो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, और ये क्या है, अलाइंड, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। कहाँ पे कर रहा था, ये हो गया ना, मेथड्स ऑफ प्लेसिंग डायमेंशंस, उसके बाद मेथड्स ऑफ अरेंजमेंट, जो अभी जो हमने डायमेंशंस देखा उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीका से अरेंज किया जाता है, ठीक है, उसको अरेंजमेंट करने का, उसको प्लेस प्लेस करने का अलग अलग अरेंजमेंट करने का तरीका, ठीक है, प्लेसिंग करने का तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, अभी अरेंजमेंट करने का उसको। सो चेन डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, पैरेलल तो आप पता है, तो नाम से आइडिया मिल जाएगा, यहाँ पे चेन डायमेंशनिंग से आइडिया मिल जाएगा, चेन मतलब क्या होता है, थोड़ा पहले लाइन हनु ये टाइप्स ऑफ लाइन में हमने डिस्कस किया था ना, इस तरह से चेन इस तरह से होता था ना, और पैरेलल क्या होता है,
ये लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। सो इस तरह से आइडिया ले सकता है कि इसका ये एग्जैक्टली कैसे होगा, बेसिक आइडिया मिल जाता है, ठीक है, यहाँ से। सो चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद जाके नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है। चेन डायमेंशनिंग में क्या होता है कि जब भी डायमेंशन करेगा इस तरह से, जब भी ये ज्यादा सिंपल हो गया, डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, डायग्राम विजिबल है, डायग्राम विजिबल है जी सर। यस सर। यहाँ पे बहुत सारा लाइन में आप कंफ्यूज हो रहा होगा, कौन कौन सा वाला क्या है, ये अभी ये जो रेड सी जो मैं जो बना रहा हूँ ये वाला, ये ऑब्जेक्ट का लाइन है, ठीक है। ये लाइन ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पतला पतला से जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये हल्का हल्का से, ये लाइन क्या है इसका, ये लाइन का नाम क्या है, ये लाइन, हाँ कोई बताओ इसका लाइन, ये लाइन का नाम क्या है, एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन। इसका थिकनेस कितना होगा, एक्सटेंशन लाइन इसका थिकनेस कितना होगा, इसका 3/2। हाँ ये लाइन ठीक है ना, थिन है, ये लाइन मोटा है ना, पतला है, पतला है ना, पतला है, तो हमेशा जितना भी पतला लाइन है सबका थिकनेस हमेशा 0.2 mm होगा, बताया था ना, 0.2 mm होगा, ठीक है, हाँ 0.2 mm। ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से। और ये लाइन क्या है, ये लाइन का नाम क्या है, ये लाइन का नाम क्या है, डायमेंशन लाइन, ठीक है ना, डायमेंशन लाइन। उसका भी थिकनेस कितना है, 0.2 mm। लेकिन ये क्या है, ये तो आउटलाइन हो गया ना, ये वाला लाइन अभी हमने रेड से जो बनाया, ये आउटलाइन, इसका थिकनेस कितना होगा, 0.5 mm, ठीक है। सो यहाँ पे इन चेन डायमेंशनिंग क्या है, ये कौन सा डायमेंशनिंग है, चेन डायमेंशन, चेन डायमेंशन देखो यहाँ पे डायमेंशन जितना भी प्लेस किया है, डायमेंशन जितना भी प्लेस किया है सब क्या है, एक ही लाइन में है ना, दिख रहा है, डायमेंशन जितना भी प्लेस किया गया है सभी एक ही लाइन में। सो इस तरह का डायमेंशनिंग करना, इस तरह से अरेंजमेंट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है, चेन डायमेंशन, इसको क्या बोलता है, चेन डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में भी देख लो, लेफ्ट में भी देख लो, ये जितना भी डायमेंशन है, ये जितना भी डायमेंशन है क्या है, एक ही लाइन में, ठीक है ना, ये लाइन के बाद फिर ये लाइन ऐसा करके, सो दिस इज चेन डायमेंशनिंग। और ये जो दो एरो है जो मिल रहा है यहाँ पे, ये दो एरो है जो मिल रहा है वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में मिलेगा, ठीक है ना, दोनों कहाँ पे मिलेगा, एक ही पॉइंट में मिलेगा। आप यहाँ पे इधर दिखा दिया और नेक्स्ट आप इधर नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, दोनों को क्या होना है, दोनों एक ही जगह पे मिल रहा है, दोनों एक ही जगह पे मिल रहा है, कौन है, बैकग्राउंड से किसी का आवाज आ रहा है ना। हो चेन डायमेंशनिंग के बाद पैरेलल डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग में देखो, पैरेलल डायमेंशन में कैसा किया गया है, यहाँ पे सब लाइन क्या है, जितना भी डायमेंशन लाइन क्या है सब पैरेलल है, देख रहा है ना, डायमेंशन लाइन जितना भी है सब क्या है, पैरेलल, दिस लाइन, ये भी एक डायमेंशन लाइन, ये भी डायमेंशन लाइन, ये भी डायमेंशन लाइन, ये भी डायमेंशन लाइन, एंड देन ये भी डायमेंशन लाइन। सो सभी लाइन्स क्या है, सभी लाइन्स पैरेलल, एक दूसरा का पैरेलल, सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल डायमेंशनिंग। और आप नोटिस कर रहा होगा यहाँ पे, जितना छोटा डायमेंशन है ना, जितना छोटा डायमेंशन है वो अंदर की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ में, जितना छोटा डायमेंशन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की तरफ में, अंदर की तरफ में रखा गया है। ऑब्जेक्ट का डायमेंशन क्या है, ये आउटलाइन का डायग्राम ये है ना, दिस इज आउटलाइन। ये हो गया आउटलाइंस। सो यहाँ पे जितना भी छोटा डायमेंशन है, जितना छोटा है क्या होगा, सबसे छोटा ये जो आउटलाइंस का करीब में, उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा बड़ा वाला, उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा बड़ा, एंड देन करके मैक्सिमम वाला सबसे लास्ट में होगा। ऐसा क्यों किया जाता है, एनी आइडिया, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग ये सबसे छोटा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, ये जो
नंबर 20, इसको सबसे छोटा वाला को हमने अगर बाहर ले गया, तो बाहर ले जाने के लिए तो ऐसा इस तरह से ले जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इस तरह से ले जाना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा करना होगा, है कि नहीं? ऐसा कर सकता था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डायमेंशनिंग का रूल्स में पहले एक बार बता चुका था कि जितना भी डायमेंशन लाइन है, ये लाइन और ये लाइन का आपस में इंटरसेक्शन नहीं होना है, समझ में आ रहा है? डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन हो गया और ये जो एक्सटेंशन लाइन हो गया, जो इन लोगों के बीच में जितना कम हो सके उतना अवॉइड करना, ठीक है? अगर अवॉइड हो सकने से अवॉइड करना है, लेकिन अगर नहीं कर सक रहा है तो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं कर सक रहा है तो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था कि एलिप्स का जब कंस्ट्रक्शन करते समय को इस तरफ का डायमेंशन तो आपको दिखाना पड़ेगा, फिर इस तरफ का डायमेंशन दिखाने के लिए आप यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकता वहां पे आपको मजबूरन बनाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन इन लोग का इंटरसेक्शन को अवॉइड कर सकने से अवॉइड करना, इसीलिए यहाँ पे इन लोग का इंटरसेक्शन नहीं करने के लिए, इंटरसेक्शन को अवॉइड करने के लिए सबसे छोटा वाला अंदर में एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला बाहर में, ठीक है? चेन पैरेलल डायमेंशनिंग एंड चेन डायमेंशनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कौन सा है? सुपर इम्पोज और प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। सुपर इम्पोज एंड प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में क्या है, सुपर इम्पोज हो जाता है, ठीक है? सुपर इम्पोज मतलब अभी जो हमने पैरेलल डायमेंशनिंग किया, पैरेलल डायमेंशनिंग किया वो क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। देखो यहाँ पे अभी डायग्राम में देखना, यहाँ पे डायग्राम विजिबल है? यस यस, ये ऑब्जेक्ट का डायग्राम है, ये आउटलाइंस है। सो यहाँ पे ये जितना भी डायमेंशन दिख रहा है ना, ये जो 15, ये 15 जो दिख रहा है ये शुरुआत में, शुरुआत का जो ओरिजिन, जो स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे इस तरह से सर्कल से दिखा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15 mm। और ये 23 जो दिख रहा है वो यहाँ से नहीं है, ये बीच का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है? यहाँ से है, ओरिजिन पॉइंट से है, ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 23, एंड देन ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 39, एंड सो ऑन। सो इसका नाम सुपर इम्पोज की हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन, छोटा वाला लाइन, इसका लाइन का ऊपर में और एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये लाइन, फिर अगेन ये दोनों लाइन का ऊपर में और एक लाइन ड्रॉ किया गया इस तरह से यहाँ पे। तो पहले हमने जो पैरेलल डायमेंशनिंग किया था यहाँ पे दिख रहा ना, इस तरह से फर्स्ट में हमने ये एक डायमेंशन दिखा दिया, ये वाला फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, ये शुरुआत है इसलिए हमने यहाँ पे ओरिजिन दिखा दिया। उसके बाद यहाँ से ये एक हो गया फर्स्ट डायमेंशन, ये कितना इसका 20, और 20 लिखने का तरीका गलत है, थोड़ा उसको सुला के लिखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से लेके शुरुआत से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ ये लाइन का डिस्टेंस कितना है 30 है ना 30। हाँ, सो उसको दिखाने के लिए अगेन इसका ऊपर में और एक लाइन बनाना, उसके बाद यहाँ पे दिखा दिया ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 30 हो गया। अगेन नेक्स्ट वाला पर दिखाने के लिए अगेन फिर इसका ऊपर से और एक लाइन गया, एंड देन ये कितना हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया 40। अगेन फिर इसका ऊपर से गया और एक डायमेंशन, ये कितना हो गया, कितना हो गया 80। अगेन फिर इसका ऊपर से और एक डायमेंशन गया, ये कितना हो गया, ये 90। सो यही चेन डायमेंशनिंग को, सॉरी चेन नहीं, यही पैरेलल डायमेंशनिंग को, पैरेलल डायमेंशनिंग को क्या कर दिया, ये लाइन को नीचे खींच के यहाँ पे रख दिया, फिर अगेन ये लाइन को भी लेके आ गया यहाँ पे रख दिया, ये वाला डायमेंशन लाइन को फिर नीचे रख दिया, इस तरह से सुपर इम्पोज कर दिया एक दूसरे का ऊपर में, ठीक है? सो दैट इज सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग, सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग। नेक्स्ट हो गया कंबाइंड डायमेंशनिंग। कंबाइंड डायमेंशनिंग मतलब अभी जो हमने चेन और पैरेलल जो किया था, यहाँ पे ये पैरेलल था, ये पैरेलल और ये जो चेन, दोनों जब कंबाइंड हो जाएगा दैट इज कॉल्ड कंबाइंड। कंबाइंड कहीं होगा यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चेन है ना, ये चेन डायमेंशनिंग हो रहा है, चेन डायमेंशनिंग हो रहा है, लेकिन फिर बीच में देख रहा होगा यहाँ पे ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल डायमेंशनिंग हो रहा है, ये तीनों लाइन। सो इस तरह से कंबाइंड हो, तीनों का मिक्स हो, ये दोनों का मिक्स हो जाए,
सो दैट इज कॉल्ड कंबाइंड डायमेंशनिंग. ठीक है, दैट इज कंबाइंड डायमेंशनिंग. और बचा हुआ है लास्ट में डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स. डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स, इसको समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. अगर आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम दे दे, सिर्फ ऐसा करके दे दे कि ये है डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स, करने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. लेकिन एक बार समझा देगा, एक बार एक्सप्लेन कर देगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. 100% आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये इसका मीनिंग क्या है. यहाँ पे देखो में जो सब दिख रहा है ना, ये हॉल जो दिख रहा है ना, ये हॉल सो इसका ओरिजिन पॉइंट ये है. ठीक है, यहाँ पे एक मार्क दिखा देता हूँ. ये रेड डॉट जो दिया वो ओरिजिन पॉइंट है. ठीक है, सो इस तरफ में ये लाइन की तरफ में, इस तरफ में क्या है, ये एक्स एक्सिस, एक्स का तरफ में डिस्टेंस कितना में है, और ये इस तरफ में ये वाई, वाई के तरफ में डिस्टेंस कितना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट नंबर वन किसको ले लेते हैं, ये वन को ही ले लेते हैं. ठीक है ना, ये वन, ये वाला एक को समझा देगा, बाकी सबको, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा. ये फर्स्ट सर्कल, ये सर्कल वन एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन मतलब इस तरफ में कितना डिस्टेंस में है, इस तरफ में कितना डिस्टेंस में है, इस तरफ में कितना डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स का डायरेक्शन में वन का कितना है, वन, वन एक्स की तरफ में कितना डिस्टेंस में है, 70. सर्कल वन का सेंटर जो एक्स की तरफ में डिस्टेंस कितना में है, 70 में. ठीक है ना, 70. एंड देन वाई की तरफ में डिस्टेंस मतलब यहाँ पे ये वाई की तरफ में डिस्टेंस कितना में है, वाई की तरफ में, वाई का लाइन में देखो, वाई की तरफ में 45 दिख रहा ना, ये 45 मतलब ये लाइन, ये वन का ये सर्कल, वन का ये सेंटर लाइन, सेंटर लाइन को इस तरह से लिखता है ना. सो ये वाई एक्सिस का तरफ में डिस्टेंस कितना में है, 45 में. बट ये जो एक्स एक्सिस की तरफ में डिस्टेंस कितना में है, एक्सिस की तरफ में 70. ठीक है ना, सो ये है, ये 70 जो दिखा रहा है कि एक्स की तरफ में कितना डिस्टेंस में है, और ये 45 जो दिखा रहा है वाई की तरफ में कितना डिस्टेंस में. उसके बाद ये जो फाई जो दिख रहा है ना, इसको फाई बोलता है. ठीक है, तो ये फाई इंडिकेट कर रहा है कि एंगल कितना में है. एंगल मतलब ये पॉइंट से अभी जो बनाया ये वाला पॉइंट, ये जो अभी ब्लैक ब्लैक जो पॉइंट बनाया वहां से, अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है क्या थोड़ा सा, हाँ अभी दिखाई दे रहा है ब्लैक, ये वाला ब्लैक, ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, ओरिजिन, ओरिजिन से एक लाइन बना दो, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, वो सर्कल का सेंटर के थ्रू से, इस तरह से बना दिया सेंटर के थ्रू से. आप लोग को थोड़ा सा लेट को दिखाई दे रहा है, मेरा थोड़ा सा लेट हो रहा है. आवाज आ रहा है? यस सर. आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, लेकिन आप लोग को कुछ दिखाई नहीं दिया ना, एक लाइन दिखाई मिल रहा है सर, वो ब्लैक लाइन जो ब्लैक लाइन दिखाई दिया. हाँ सर, तब तो मेरा मोबाइल लेक हो रहा है क्या? अच्छा, आप यहाँ को देखिए, वहां पे थोड़ा सा लेक हो. ये जो ब्लैक लाइन जो सर्कल का सेंटर से जो दिया गया ना वो लाइन, ठीक है. अभी आप ये वाला एंगल को मेजर करो, ये एक्स एक्सिस की तरफ से ये वाला एंगल, ये एंगल जो है कितना में है, एंगल कितना है, 10 डिग्री, कितना में है, 10 डिग्री. समझ में आ रहा है? समझ है, ये है जिस तरह से जो सर्कल वन को जैसा दिखा है वैसा ही सेम प्रोसेस सभी का है. ठीक है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी एक होल ले लो, फॉर एग्जांपल नंबर कितना, किसको ले लेगा, 5 को ले लेगा है ना, 5 को ले लो, 5 का एक्स की तरफ में क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, इसे तो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो जाएगा. कितना दिया है, 5, नंबर 5 एक्स की तरफ में कितना है, नंबर 5 ये एक्स की तरफ में कितना है, 22 डिस्टेंस. और नंबर 5 वाई की तरफ में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, वाई की तरफ में 30 डिस्टेंस दिया है. और एंगल कितना है, एंगल इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंगल यहाँ में 8 दिया हुआ है,
ये एंगल थोड़ा गड़बड़ से दिया हुआ है, एंगल एक्चुअली इतना छोटा नहीं होगा, ठीक है? ये एंगल जो दिया है मीनिंग मतलब यही है, ठीक है? समझ में आया यहाँ पे? यस सर। डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हो गया डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स, जब भी डायमेंशनिंग करेगा अगर फाइ इस तरह से मेंशन किया है, इसका मतलब होता है डायमीटर, ठीक है? डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? ये जो फाइ जो दिखाई दे रहा है, ये रेड जो दिखाई दे रहा है, रेड लाइन, रेड डॉट, और इंडिकेट करता है रेडियस। ये आर इंडिकेट करता है रेडियस। फॉर एग्जाम्पल हमने डायमेंशन बना दिया, फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह से एक सर्कल बना दे, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे इसको दिखाने के लिए इस तरह से डायमेंशनिंग किया जाता है, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे दो तरह से दिखा सकता है, आप इस तरह से फाई से भी दिखा सकता है या फिर आर से भी दिखा सकता है। अगर इसका डायमीटर मान लो 50 है, 50 mm मान लो, अगर ऐसा होने से फाई से दिखाना, फाई कितना है, मतलब ये डायमीटर कितना है, 50 mm, mm को लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद इसका अगर 50 mm डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25 mm हो जाएगा। तो अगर रेडियस के दिखाने के लिए इस तरह से आर 25 या फिर इसको एरो को नहीं देके इस तरह से भी किया जाता है आर 25, ठीक है ना? सो आर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको और कुछ जो भी डायग्राम बना दिए और अगर और उसका अंदर में शेप स्क्वायर है बोल के बताना होने से इस तरह से स्क्वायर दे देगा और उसका साइज दे देगा आगे में, इसका साइज जितना भी हो, ठीक है? ये हो गया। और स्फीयर का रेडियस होने से, अगर स्फीयर होने से उसका आगे में एस आर दे देगा स्फीयर का रेडियस, या फिर अगर रेडियस नहीं है डायमीटर बनाना है तो आगे में क्या कर देगा, एस लगा के ये डायमीटर का सिंबल दे देगा, दैट इज स्फीयर। सिंबल्स हो गया, डायमेंशन हो गया, डायमेंशन शायद इतना ही है, और कुछ कुछ स्पेशल केसेस है कि नहीं देखते हैं। और यहाँ पे डायमेंशनिंग का जनरल केसेस सब हो गया, अभी यहाँ पे स्पेशल केसेस हो, यहाँ पे इधर मान लो सेम चीज, यहाँ पे ये जो सर्कल जो दिख रहा है ना, सर्कल भी हो सकता है, ये होल है, ठीक है? एक्चुअली होल है, ये होल सबका डायमेंशन सेम है, तो सबको अलग अलग से ये जो दिखा है वैसे ही सेम, हर जगह पे नहीं दिखा के, सिर्फ एक जगह पे दिखा देता है, एक जगह में दिखा देगा कि ये इसका फाई मतलब इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 12, और इसका आगे में मल्टीप्लाई कर देगा नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ होल्स जितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल्स है, तो इसका आगे में 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसका मतलब क्या, आगे जितना भी होल है क्या है, सबका डायमीटर सेम है, और टोटल होल्स कितना है, नंबर 6, टोटल 6 है। और उससे भी ज्यादा अगर हो जाए, मान लो इधर ये जो सर्कल है यहाँ पे, ये 1, 2 और बीच में बहुत सारा है, और इस तरह से, सो सभी सबका सब डायमेंशन को, सबका सब डायमीटर को नहीं देखा के क्या करता है, बीच में एक इस तरह से कट आउट लगा के, मतलब जो इसको क्या बोलता है, लास्ट क्लास में किया था लाइंस का टाइप्स में, पार्शियल इंटरप्टेड व्यूज बोलते हैं ना, इंटरप्शन कर दिए यहाँ पे, लाइन किया था ये वाला लाइन, ये लाइन कौन सा है, थिन लाइन है ना, थिन लाइन जिगजैग हमने किया था, इसका मतलब हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से जब लॉन्ग लाइन, लॉन्ग कुछ चीज हो जाए और सभी डायमेंशन सेम हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में ये पोर्शन आधा पोर्शन हटा के क्या कर देता है हम लोग, इस तरह से कुछ कर देता ना, या फिर ऐसा करके,
इस तरह से देखा जाता है। सो ये दोनों चीज को हमने लास्ट क्लास जब लाइंस का डिस्कस किया था, ये लाइन तभी यूज होता है जब ज्यादा ही लंबा हो, ठीक है ना, लंबा हो और बीच में कट आउट करके दिखाया गया हो, उसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा लंबा हो, जब ज्यादा ही लंबा हो जाए उससे भी, तो ये वाला लाइन को यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो यही लाइन है वो zigzag लाइन, कंटिन्यूअस ऑफरिंग होगा और zigzag होगा। इसका हाँ ये लाइन का थिकनेस कितना होगा, जो लाइन थिन है zigzag और फ्री है इसका थिकनेस कितना होगा, जितना भी थिन लाइन है सबका थिकनेस कितना होगा, 0.2 mm, कितना 0.2 mm। आवाज आ रहा है? यस यस हेलो आ रहा है ठीक। डायमेंशनिंग में बस इतना ही, ठीक है, डायमेंशनिंग में बस इतना ही, हाँ ठीक है। हेलो 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 हेलो, आवाज नेट कनेक्शन चला गया, हाँ आवाज आ रहा ना अभी, आ रहा है, आ रहा ना, तो आ रहा है, ले एक मिनट ले रहा हूँ लोगों, रबों क्या म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। देखो हम लोग का ये जो डायमेंशनिंग भी हो गया, ठीक है, स्क्रीन क्या दे रहा है, स्क्रीन विजिबल है? हेलो हाँ सर विजिबल है, यस सर, हेलो यस सर, यस सर विजिबल है ना, हाँ। ये जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, लाइंस एंड देयर एप्लीकेशंस हो गया, डायमेंशन हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का और क्वेश्चंस देगा आप लोग को। इसके बाद ये जो प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स करा देते हैं पहले, ठीक है, फिर भी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको और एक बार डिस्कस करते हैं, हाँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा प्लेन्स एंड सॉलिड फिगर्स। अगर पहले पढ़ा होने से इसको नोट्स, इसका नोट्स को देख के रख लेना, ठीक है। लेटरिंग बहुत ही सिंपल है, लेटरिंग 5-10 मिनट में हो जाएगा, इसको बहुत सिंपल से हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल परसों करते हैं, ठीक है, बस हम अब तो